मैं सूरज आज आपकी नई वीडियो के साथ आए दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि कॉपी में मैं कैसा लिखना चाहिए कि एग्जाम में नंबर पूरे मिले, तो दोस्तों आज हम वो बहुत देखिए एग्जाम हो रहे हैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंटों का कॉमेंट आया था कि कैसा लिखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, याद रखना सबसे पहले क्या होता है, आपको इस प्रकार से एक पेस्ट मिलता है ऊपर वाला जहां आपको नाम लिखना पड़ता है, रोल नंबर डालना पड़ता है, क्लास सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ डालना पड़ता है। ठीक है, एक कॉपी का पहला पेस्ट बता रहा हूँ, जो पहला पेस्ट होता है बिल्कुल एस एम टू से ऐसा ही मिलता है। ठीक है, उसके बारे में आपको पॉइंट भरते हैं कि रोल नंबर इतना है, इस प्रकार से भरते हैं, इस प्रकार से ऑडिट करते हैं। ठीक है, भरते हैं जो चीज 1000 नंबर पर रोल नंबर भर देते हैं। तो सिंपली जो पहला पेस्ट होता है वो तो भरना होता ही है, सबको तो सब जानते हैं, उस पर कुछ नहीं करना होता। और नेक्स्ट जैसे ही पेज ओपन करते हैं, ठीक है, याद रखना जैसा मैं बोल रहा हूँ सिम टू सिम वैसे ही करके आना और एग्जाम में पूरे ही पूरे मार्क मिलेंगे। और ये भी बताऊंगा सबसे पहले कौन से क्वेश्चनों को करना चाहिए, कौन से क्वेश्चनों को नहीं करना चाहिए, कॉपी में कौन से पहले क्वेश्चन लिखना चाहिए, लॉन्ग शॉर्ट या आपके बहुविकल्पी, सारे के सारे बताऊंगा। आप लास्ट तक वीडियो बने रहिए और ऐसा मैं जैसा बता रहा हूं आप वैसे करके आते हैं तो सच बता रहा हूं आपको पूरे मार्क मिलेंगे। तो याद रखना जैसे पहला पेस्ट आपको सिंपली ऐसा मिलेगा, उसके बाद में एक मैं आपको कॉपी तो मेरे पास ऐसे नहीं है लेकिन मैं आपको ये डायरी दिखा रहा हूं। तो डायरी के वक्त जैसे हम जैसा पहला पेस्ट होता है यहां हमने अपना नाम वगैरह सब कुछ डाल देते हैं। ठीक है, भरने के बाद में जैसे इस पेज को ऐसे पलटते हैं ना पहला ऐसा पेज से, तो ये क्या होता है, ये आपको इस पेज पे कुछ नहीं करना, याद रखना इस पेज पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमने ये यहाँ वगैरह नाम वगैरह कुछ लिखा इस वाले पेज पे, नाम वगैरह जो भी चीज हमने लिखा, ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ रोल नंबर वगैरह सब कुछ डाल दिया। ठीक है, रोल नंबर वगैरह डाल रहा, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ डालते हैं, पॉइंट पॉइंट भर देते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पलटते हैं। तो याद रखना इस वाले पेस्ट पे कुछ नहीं करना है आपको, इस वाले पेस्ट पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसे छोड़ देना है। उसके बाद में यहां देखिए, और फिर उसके बाद में आपको मिलेगा, देखिए ये लाइन वाली पूरी मिल जाती है, यहां से यहां तक ये लाइन पूरी मिल जाती है आपको ऊपर वाली, लेकिन ये पूरा सादा मिलता है। जैसे भी देखेंगे इस बार भी सादा होगा, ऐसा ही होगा, बिल्कुल सादा होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा इसमें। जैसे ही आपको पेस्ट इसको पलटते हैं तो सेम टू सेम याद रखना आपको क्या सबसे पहले लेनी होगी, एक स्केल। स्केल लेने के बाद में यहां देखिए, याद रखना आपको कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पेज को पकड़ेंगे, ऐसे स्केल को पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे स्केल को पकड़ेंगे और यहां से क्या करेंगे, मतलब कि यहां से पूरा खींच देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसा खींचते हैं यहां पर, एक याद रखना सिंगल नहीं खींचनी है, और ठीक है सिंगल नहीं खींचनी है, और इसके बाद में एक डबल और खींचनी है। ठीक है, यहां से थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा स्पेस देंगे, ज्यादा स्पेस नहीं देंगे, याद रखना बीच में कभी ज्यादा स्पेस ना दें। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको खींच देनी है। ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है और जस्ट याद रखना उसके बाद में या ये मत करना कि कुछ स्टूडेंट यहां भी लाइन खींच देते हैं पेज की और यहां भी लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, एक ही साइड में केवल हमारी राइट मतलब लेफ्ट साइड में मतलब कि बाएं साइड में आपको यहाँ लाइन खींचनी है, उसके बाद में ये खींच दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ इस साइड में लाइन खींचेंगे, किस साइड में, इस साइड में लाइन खींचेंगे। ठीक है, याद रखना थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद में इस साइड में ही जैसे पीछे लाइन खींची थी वैसे ही दो लाइन खींच देंगे, यहाँ एक लाइन खींच गई। ठीक है, अब क्या होगा, याद रखना देखिए कॉपी की, देखिए यहां बोल रहा है कि यहां से यहां तक हम लिखेंगे, देखिए हमने जब से खींच देंगे इधर उधर लाइन खींच जाएंगे तो कुछ कुछ शो होने लगा, देखिए ये लाइन लग रहा है कि ये लाइन यहां खींची हुई है, ये लाइन पहले की। अब हमने यहां देखिए जैसे ही हमने ये हमने नाम वगैरह लिखा और जो पहला क्वेश्चन छोड़ देंगे पहला पेस्ट, उसके बाद में यहां लिखेंगे, याद रखना सेक्शन सी से स्टार्टिंग करेंगे, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उनको यहां से जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा यहां डालेंगे हम। यदि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जैसे आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पांच का ए है तो पांच का ए डालिए। ठीक है, इस प्रकार से बस इतना लिख देना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना लिख देना है, फाइव नंबर इतना है। ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का जो भी बहुविकल्पी आंसर, बहुविकल्पी वाले करेंगे सबसे पहले, बहुविकल्पी वाले याद रखना पहले बहुविकल्पी वाले करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ एक जिसका जो भी आंसर होगा तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, यहां लिखना है ए क्या जो भी होगा आंसर, जैसे आंसर हमारा तीसरा है तो तीसरा लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, तीसरा नंबर लिखने के बाद में जो भी इसका जो भी यहाँ लिखो या कुछ भी लिखा है कि विद्युत लिखा है, ठीक है विद्युत ऊर्जा इसका आंसर आया। ठीक है, विद्युत ऊर्जा लिखने के बाद में यहाँ आपको क्या लिखना है, बस विद्युत ऊर्जा लिख देनी है, और इंग्लिश में लाए तो इंग्लिश में लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन नंबर फिर क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव का बी, ठीक है इस प्रकार से लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर फाइव का सी। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद में जो भी होंगे क्वेश्चन सब उतारने के बाद यहाँ फिर सेक्शन डालेंगे, यहाँ सेक्शन नंबर बी मतलब कि यहां डालना है आपको, जैसे कि अब डालना है, अब हम देखिए पहले बहुविकल्पी क्वेश्चनों करेंगे, उसके याद रखना उसके बाद करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चनों को, किसको करने हैं, दूसरा है कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चनों करने के बाद लॉन्ग क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं कम
और लॉन्ग क्वेश्चन में ही नंबर सबसे ज्यादा मिलते हैं, याद रखना लॉन्ग क्वेश्चन में ही सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन को करना है पहले, टाइम क्योंकि बर्बाद नहीं करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को करिए। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ही आप तीनों क्वेश्चन लॉन्ग कर देंगे उसके बाद में याद रखना, देखिए यहां से हमने क्वेश्चन नंबर डाला, हम जो भी क्वेश्चन नंबर मान दें, क्वेश्चन नंबर पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर पहला डालेंगे और यहां लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे आंसर, ठीक है। अब जो भी हेडिंग होगी वो हेडिंग डाल देंगे और हेडिंग डालने के बाद में इस प्रकार से करने के बाद में उसके अंदर नीचे अंडरलाइन जरूर करेंगे, जो भी हेडिंग डालेंगे, जो क्वेश्चन डालेंगे उसके जो हेडिंग डालेंगे वहां के अंदर अंडरलाइन जरूर करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से कर दीजिए, इस प्रकार से, ठीक है, कि बंदे को सबसे पहले जो टीचर चेक करे उसे देखना चाहिए। इतना करने के बाद में आप क्या करेंगे, देखिए इतना आपने किया, उसके बाद में याद रखना यहां से और यहां तक जो हमने लाइन खींची, जो अंडरलाइन दिख रही है, बस यहां से इससे पार नहीं जाना है, इससे इधर को नहीं जाना है, याद रखना हमें यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लिखना है और कभी भी इस लाइन से इधर पार ना जाए, वैसे ही आपको दिख जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, कॉपी शार्प दिखेगी, एकदम सुंदर दिखेगी और आपके मार्क्स हैं वो पूरे मिलेंगे। उसके बाद में आपको लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ही खत्म हो जाते हैं उसके बाद में सेक्शन बी डालना, जो सेक्शन बी के अंतर्गत आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उन शॉर्ट क्वेश्चनों को लिखना, ठीक है। तो याद रखना पहले बहुविकल्पी क्वेश्चनों को करना है, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चनों को करना है, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चनों को करना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको जैसे जैसे मैंने आपको बताया सेम टू वैसे करना, और पहले पेस्ट को कभी यूज ना करें, कभी भी ना लिखें, दूसरे पेस्ट से स्टार्टिंग करें, ठीक है। और कुछ बताओ, उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया सेम टू सेम ऐसे करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, और मैंने जैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं वो देख लीजिए, पीडीएफ आपको बहुत सारी दे रखी है वो भी देख लीजिए, आपको पीडीएफ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होगी बता दिए वो भी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बताइए। देखिए व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप मुझे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप सब पे फेसबुक कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं, और एक्चुअली कोई बात है टेलीग्राम पे भी आप जा सकते हैं, टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ हम अपलोड करते हैं सबसे पहले, ठीक है, स्टूडेंटों के लिए तो वो देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताना जरूर है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया सेम टू सेम वैसा ही करना है, और याद करने की जो विधि बताऊंगा एग्जाम में तो कैसा पढ़ना चाहिए उसको बारे में बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उसकी, एग्जाम में हमें कैसा पढ़ना चाहिए, कैसे याद रहेगा हर कुछ, जो हम चाहे 4 साल पहले पढ़ा हो चाहे 2 साल पहले पढ़ा हो, ठीक है, वो बिल्कुल उसकी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, और चाहे वो हम गैस पेपर से पढ़े, क्वेश्चन बैंक से पढ़े, या बुक से पढ़े, या हम नोट से पढ़े, ठीक है, तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करने के बाद में कॉमेंट बटन जरूर दबाएं, थैंक यू।